उससे पहले भी बहुत कुछ होना है, उसके बीच में भी बहुत कुछ होना है, और उसके आखिर में भी बहुत कुछ होना है, और शुरू में जो है क्लोजिंग सेरेमनी होगी जिसमें, लेकिन बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स एक्शन में होंगे, क्लोजिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगे, उसके बाद फिर ड्रिंक्स ब्रेक, चार ड्रिंक्स ब्रेक है, और चारों ड्रिंक्स ब्रेक में कभी किसी लैंग्वेज का सिंगर आएगा, कभी किसी लैंग्वेज का आएगा, एयर शो भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, फिर मैच स्टार्ट होगा, और मैच के बाद फिर एंड में जो टीम जीतेगी उसको ट्रॉफी दी जाएगी, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो होंगे चीफ गेस्ट ड्यूरिंग द फाइनल मैच। इस स्टेडियम में 130,000 से ज्यादा तमाशाई होंगे, सेलिब्रिटीज होंगी, ओपनिंग सेरेमनी जबरदस्त होगी जिसमें लेजर शो, जिसमें फायरवर्क्स, जिसमें म्यूजिक, सब चीजों का तड़का होगा। तो वर्ल्ड कप जो 5 अक्टूबर को शुरू हुआ था इस स्टेडियम में फाइनल के साथ खत्म होगा। बड़ी यादें होंगी, बड़ी यादगारें होंगी, और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो मायूस कुन रही वो भी एक यादगार होगी। भारत वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने और जीतने की तैयारी में, जबकि पड़ोसी पाकिस्तान की एक बार फिर फजीहत होने वाली है। पाकिस्तान भले ही विश्व कप से बाहर हो चुका हो, लेकिन बेइज्जती उसका पीछा नहीं छोड़ रही। इस बार तो बेइज्जती के साथ साथ पाकिस्तान को पछतावा भी होने वाला है। बहुत अच्छा है, जो भी वो करना चाह रहे हैं अपना फाइनल, जिस तरीके से भी वो उसको स्टार्ट में करेंगे या बाद में करेंगे ये तो कल ही पता चलेगा। ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग भी करेंगे, ओपनिंग भी करेंगे, मिड में भी होगा, मिड में भी होगा। अच्छा, बस ये तो उनका अपना जो एक सिस्टम है वो है, लेकिन और कहीं मैंने कभी ये नहीं देखा कोई इस तरह हुआ। 92 में भी नहीं था, 99 में भी था, मेरा ख्याल है 2019 में भी ऐसा कुछ नहीं था। तो ये इंडिया का अपने एक वो है, वो कर रहे हैं इंडस्ट्रीज को जोड़ रहे हैं अपनी दो को साथ, ताकि वही कमर्शलाइज है सारा ये वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा है जो भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है कल फाइनल में, पिच को लेकर दोबारा बवाल मच गया है। इंडियन मीडिया, ऑस्ट्रेलिया मीडिया, इंग्लिश मीडिया सारे पिच को हाईलाइट कर रहे हैं कि फाइनल की पिच जो है वो बीसीसीआई ने अपने मतलब की पिच बनाई है। पर जो है वो एक जो चीज है वो बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है वो है टॉस, और टॉस जीत कर अभी मैं एक पोस्ट पढ़ा था, आई एम नॉट श्योर कि वो सही है या गलत है, कि स्लोअर साइड पर पिच होगा, अगर 300-350 करेंगे तो बाद में पिच स्लो हो जाएगा, तो उस पर भी बैटिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो लोग कह रहे हैं कि टॉस और ये चीजें जो है ना वो फिक्स हो गई हैं। नहीं नहीं, वो तो लोगों का काम है, टॉस जीत के क्या करना है वो बात की बात है, कितना दूर फेंकना है वो डिसाइड हुआ पहले, टॉस कितना दूर जाएगा वो तो कमिंस ने डिसाइड कर लिया होगा। रोहित वैसे आज कमिंस पिक्चर्स खींच रहे थे, मुझे लगता है वो टीम मीटिंग के लिए खींच रहे थे, क्योंकि स्पिन पे भी खींची। वैसे ये ऐसा इंस्टेंस बहुत रेयर, मैंने तो पहली दफा ही देखा है कि कोई कैप्टन आकर अपने मोबाइल फोन से तस्वीर खींच रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आईएनए न्यूज के और नए वीडियो में। दोस्तों फाइनल मैच में, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के फाइनल मैच में, भारतीय वायुसेना का जो एयर शो है उसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से सॉल्ट हो चुका है। दोस्तों भारत रोज नया कारनामा कर रहा है। दोस्तों क्रिकेट की बात की है तो आपको पता होगा कि आईपीएल के सेरेमनी में भी काफ़ी सारे सिंगर आए थे और काफ़ी ज़्यादा पैसे वहाँ पे भी खर्च किए गए थे, और एक बार फिर से क्योंकि ये इंडिया में हो रहा है और फाइनल मैच है, वहाँ पर भारतीय वायुसेना ने अपना जौहर दिखाया और दिखाया कि वो जो है वो अगर जो हमारे क्रिकेट टीम मैदान पे जो खेलेगी, हम जो है वो आसमान के खेलने वाले हैं, और आसमान में उन्होंने जो प्लेन है उसको वहाँ पे जो है शो करके दिखाया कि हम जो है वो जो हमारी एयरफोर्स है वो कहीं से भी कम नहीं है, और पूरी दुनिया ने इस एयर शो को देखा और बहुत सारे लोगों ने इसकी तारीफ भी की। खुद ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने भी तारीफ की कि भारतीय वायुसेना जो है मतलब उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया कि भारतीय वायुसेना जो है वो इस फाइनल मैच में अपना योगदान दिया, और हमें अच्छा लगा कि हम जो है वो इस फाइनल को देखने आए हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो एयर शो है उसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से शॉक्ड हो चुका है, और उसका कहना है कि काश हम भी वहाँ पे होते और हम भी इस मैच को देखते हैं, क्योंकि दोस्तों ये मैच जो है वो पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं होता है। एक तो 130,000 जो दर्शक हैं उनके सामने उनके साथ में मैच देखना, और उसमें भी चार चांद लगाने के लिए जो वायुसेना है वो मैदान के ऊपर अपनी उड़ान भर रही थी, तो ये कहीं ना कहीं सौभाग्य वाले लोग ही इस मैच को देख पाएंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। फिनाले जो है ना उसके लिए आपकी एक्साइटमेंट और एनर्जी लेवल इतना बूस्ट हो जाता है कि जल्दी जल्दी पहला बॉल हो, जल्दी जल्दी खत्म हो टूर्नामेंट और हम जीतें, दोनों टीमों की ख्वाहिश होगी ये। और जो ऊपर से इंडिया का, तो ये हम जानते हैं कि वो जो ऐसी सेलिब्रेशन करते हैं या ऐसे शो ऑर्गेनाइज करते हैं, दे आर वेरी गुड ऑन इट, दे आर वेरी प्रोफेशनल, मतलब ऑलवेज ग्रैंड ग्रैंड करते हैं। और उनके जो सबसे बड़ी बात है कि उनके जो अपने एक्टर्स हैं, जो हॉलीवुड के बॉलीवुड के लोग हैं, वो सारे पार्टिसिपेट करते हैं। हमने देखा मैच में, मैच सेमीफाइनल में भी देखा आपने कि वो सारे मुंबई में बैठे हुए थे, बड़े बड़े जो उनके सुपरस्टार, इवन डेविड बैकम बैठे हुए थे। तो कल को बहुत कुछ होना है, और क्या एक्सपेक्टेशन है, कौन जीत रहा है, काम करना है बहुत काम करना है, काम तो बहुत करना है, लेकिन उम्मीदें ऑस्ट्रेलिया की है हमारी, नहीं इनकी ऑस्ट्रेलिया की, मेरी तो इंडिया की, उनकी भी ऑस्ट्रेलिया की है ना, हम दोनों सेम पेज पे, मेरी इंडिया की यार, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ट्रॉफीज जीत लिया, उनको बोलो बख्श दें,
इंडिया ने अच्छा खेला है इस टूर्नामेंट में एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया हर फॉर्मेट में, एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया के वो भी अच्छा खेल के गए, खेल के गए, लेकिन मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ ना, शुरू से ही खेलते हुए अच्छा आ रहे हैं, चाहे वो बैटिंग हो बॉलिंग हो, ऑस्ट्रेलिया में अभी भी काफी मुझे इतना नहीं लगा कि वो कन्विंसिंग है। आप उनका मिडिल ऑर्डर देखें, स्टीव स्मिथ को देखें या मार्नस लबू शेन को देखें, वैसे वो नहीं खेल रहे जैसे इंडिया का मिडिल ऑर्डर खेले, जैसे अय्यर है, राहुल है, फिर नीचे से हाँ उनका सूर्य कुमार यादव वैसे नहीं खेल रहा, लेकिन जडेजा भी अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने की है, थोड़ा सा तो एज है वैसे इंडिया को, होम कंडीशन है तो फर्क देखेगा आपको फर्क। सही, और आई डोंट नो वो क्या स्ट्रेटजी है, क्या चीज है, मुझे समझ नहीं आ रहा, बट वैसे पिच किस पिच की खींची, पिच तो अभी तक डिसाइडेड है नहीं, पिच तो डिसाइड हो गई, पिच नंबर 6 पे शायद मैच हो रहा है, और पिच रोहित शर्मा जो बोल रहे पिच वैसा ही है जैसे पाकिस्तान इंडिया के मैच, वही पिच है, नहीं वो पिच नहीं अलग पिच है, वही पिच है भाई, वो तो रिपोर्ट में था ना, अरे वही पिच है, अभी तक मैच चल रहे कौन सी फाइनल, वही पिच है जिसको जो जो आईसीसी के कंसल्टेंट एंडी एटकिंसन ने बोला वो रिकमेंड किया पिच नंबर 5। अच्छा, ग्राउंड स्टाफ है वो बोल रहा है जो पहले बैटिंग करके अगर 300 रन 320 रन मारेगा ना उसी तो वही वाले पोस्ट की मैं बात, वो डिफेंड कर सकता है फिर। अच्छा हाँ, तो ये 300 फाइनल में तो डिफेंड होते हैं, वैसे हमें ये चेक करना चाहिए कि इससे पहले वर्ल्ड कप फाइनल्स में कितनी दफा 300 प्लस स्कोर हुआ है, 2003 में हुआ था, 2007 में हुआ था, बहुत कम हुआ है ये चीज, बाकी इतने बड़े 2003 और 2007 में ऑस्ट्रेलिया ने जब जब बैटिंग किया था 2019 में तो 240 भी नहीं था, इतना ही कोई था 250 के आसपास था जिस पे टाई हो गया था, वो भी काफी स्लो पिच थी, लेकिन शायद उस वक्त किसी ने बोला नहीं, शायद इंग्लैंड में हो रहा था, डेली में शायद सो रहा था उस वक्त भी, उस पर भी काफी स्लो पिच थी। जो हम देख रहे हैं ना तैयारियां इस वक्त, मतलब इंडियन एयरफोर्स से लेके एवरीवन इज इन्वॉल्व, इंडियन एयरफोर्स वुड शो देयर एयर शो एंड देन कोरियोग्राफीज हो रही हैं, एक ओपनिंग सेरेमनी क्योंकि नहीं करवा सकी थी BCCI, तो अब जो है वो BCCI और ICC मिलके क्लोजिंग सेरेमनी, एक ग्रैंड क्लोजिंग सेरेमनी प्लान कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, सारे विनिंग कैप्टन्स, ये जो आपको वर्ल्ड कप कैप्टन्स की जो हमारे सामने भी, हमारे पास भी ये जो पिक्चर्स दिख रही हैं, ये यूसुफ के पीछे अगर हम कैमरे पे दिखा सकें तो ये जो पिक्चर्स दिख रही हैं, सो ये सारे कैप्टन्स एक्सेप्ट वन ऑफ द कैप्टन, ये सब जो हैं कल वहाँ मौजूद होंगे और उनको स्पेशल ब्लेजर्स दिए जाएंगे ऑफ दिस स्पेशल फाइनल एंड वर्ल्ड कप, ये हम दिखा भी रहे हैं। अच्छा, ये ग्रेट, ये अभी देख रहे हैं हम सब, ऑब्वियसली हम रोज़ देखते हैं ये, और देखिए जो पहले इन्होंने ऑर्गेनाइज करना था वो नहीं हो सका, आई थिंक वट एवर द रीज़न, यस, अब जो ये फाइनल जो होता है ना, ये लकीली यूसुफ भी एक फाइनल में इन्वॉल्व रह चुके हैं 99 के, मैं भी अल्लाह का शुक्र है दो फाइनल में इन्वॉल्व रह चुका हूँ पाकिस्तान टीम की तरफ से, एक में जीते भी थे, बहुत एक्साइटमेंट होती है एज ए क्रिकेटर, आप सोच नहीं सकते कि फाइनल वाले दिन आप कितना इंतजार कर रहे होते हैं, तो आई थिंक ये उनकी एक इंडस्ट्री को उठाने का एक बड़ा अच्छा तरीका भी होता है उनका, तो उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो आई थिंक इट बी ए ग्रेट, कल जो भी करेंगे बड़ा मजा आएगा, क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए, मैच अच्छा होना चाहिए, एक्साइटमेंट अच्छी होनी चाहिए कि 1.5 महीना लोगों ने ये फाइनल देखने के लिए इंतजार किया है। कल यानी कि संडे का दिन होगा, 19 नवंबर डेट होगी, वर्ल्ड कप का 2023 का फाइनल होगा। इस मौके के ऊपर ICC उन तमाम माजी के कप्तानों को जिन्होंने अपनी अपनी क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जिताए हैं उन सबको खिराज तहसीन पेश करेगा, उन सबको ऑनर करेगा। इन तमाम कप्तानों को स्पेशल किस्म के ब्लेजर गिफ्ट किए जाएंगे ICC की तरफ से। इमरान खान ये जो सेरेमनी है ये अटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि इमरान खान साहब इस पर्टिकुलर टाइम में जेल के अंदर नजर बंद हैं या कैद हैं या जो भी आप कह लें। अब इमरान खान अगर आज़ाद भी होते तो क्या इस सेरेमनी में शिरकत करते, आई डोंट नो, लेकिन अब ये फिलहाल तो 100% यही कहा जा सकता है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो हैं जेल के अंदर। अब इमरान खान पाकिस्तान की क्रिकेट में ना सबसे बड़ा नाम है, पाकिस्तान की क्रिकेट में इमरान खान से बड़ा दूसरा कोई नाम अभी तक पैदा हुआ ही नहीं है, और जो मौजूदा क्रिकेट की सूरत हाल है ना, अब आपको इमरान खान से बड़ा क्रिकेट में कोई और पाकिस्तानी नाम मिलने भी नहीं वाला, इमरान खान और बाकी सारे उसके नीचे, क्योंकि इमरान खान की परफॉर्मेंसेज इस किस्म की थी, वो